YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। परियोजना उच्च विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पलामू जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल में सेवानिवृत्त शिक्षक मुनीश्वर सिंह, प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार ठाकुर, धनंजय शुक्ला, सहस्त्रजीत शुक्ला, शालिग्राम सिंह, पूर्व सैनिक ब्रिजेश कुमार शुक्ल और कई शिक्षक शामिल रहे। मुलाकात के दौरान नियमावली के तहत वरीय वेतनमान एवं प्रवरण कोटि का वेतनमान देने की दिशा में ठोस पहल की मांग की गई। मौजूद शिक्षकों ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू द्वारा पत्रांक 834 दिनांक 3 जून 2016 को सभी उच्च विद्यालयों से कागजात उपलब्ध कराने को लेकर आदेश दिया गया था, जिसके आलोक में 11 जून 2016 को सभी जरूरी कागजात जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिए गए थे। लेकिन आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी मसला लंबित है। कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो सेवानिवृत्त शिक्षक अपने हक की लड़ाई के लिए बाध्य होंगे। दिक्कत ये हो रही है, 12 साल और 24 साल के बाद, 12 साल में वरीय वेतनमान और 24 साल के बाद जो है सो प्रबंध वेतन, इस प्रोन्नति का लाभ हम लोग को जिला शिक्षा परियोजना उच्च विद्यालय 81-82 चरण और 84-85 के चरण के शिक्षकों को बड़ी वेतनमान का लाभ जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के लापरवाही के कारण नहीं मिल पा रहा है। यह लंबित है, मूल समस्या हम लोग को जिला शिक्षा पदाधिकारी के लापरवाही के कारण 2 साल पूर्व से ही सरकार, न्यायालय, निदेशक, शिक्षा सचिव सभी के निर्देश मिलने के बावजूद किसी तरह की प्रोन्नति की और न अंतर्वेतन वगैरह पास करने की कोई जिम्मेवारी यहाँ की जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं ले रहे। एक्चुअल हम लोग के संज्ञान में एक मसला आया रिटायर्ड टीचर का, कि रिटायर्ड टीचर का जो है वरीय वेतनमान का और प्रवर कोटि का मसला जो है फंसा हुआ है। जुलाई 2016 से ही सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा यह जो है दिशा निर्देश दिया गया है कि अविलंब जो भी रिटायर्ड टीचर हैं, चाहे वो परियोजना के हैं चाहे राजकीयकृत हैं, उनको अविलंब भुगतान किया जाए। और इस संदर्भ में हम इससे पहले भी जो डीओ थी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने बताया कि ठीक है हम जाने से पहले कर देंगे। मैंने रेफरेंस दिया कि रांची जिला में भी इसकी भुगतान हो गया है और गढ़वा जिला में भी इसका भुगतान हो गया है, लेकिन वह जो है वो चली गई टालमटोल करके। और इसके बाद जब ये नई डीओ साहब आई, इनसे भी हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्द जो है इसको कर देंगे, लेकिन अभी 1 महीना हो गया और अभी तक जो है यह मसला अभी तक ये सुलझा नहीं पाई हैं। तो आज पूरे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं हम लोग के साथ, हमारे पूर्व सैनिकों के साथ यहाँ पर किए हैं और हम लोग आज पुनः डीओ साहब से मिलेंगे और यदि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो अगली हम लोग फिर या तो धरना प्रदर्शन का या कार्यालय बाधित करने का जो है हम लोग काम करेंगे, जिसमें कि SDO साहब को संज्ञान में रखते हुए, DC साहब को नॉलेज में रखते हुए कि सर यदि सेवानिवृत्त शिक्षक का काम नहीं होगा, जो कि आप समझ सकते हैं कि देश के कर्णधार के बच्चों को गढ़ने का काम ये शिक्षक करते हैं और इनको जब सेवानिवृत्ति के बाद जब इसका लाभ नहीं मिले तो कितना जो है हम लोग के लिए शर्म की बात है। तो मैं तो यहाँ के प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि अविलंब जितना जल्दी हो जो इन लोग का जो प्रोन्नति का मसला है या जो भी इनका समस्या है इनको संज्ञान मिले और ताकि यह जो है इनकी भी जो सोच है, इनका जो सकारात्मक जो ऊर्जा है, इनको समाज के काम में, राष्ट्र के काम में, देश के काम में जो है लगाया जा सके।